हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यूर वेलकम टू कैंपस एक्स इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे अभी तक हमने डीप लर्निंग में सी एन एन के अंदर दो चीज़ें पढ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल सी एन एन आर्किटेक्चर्स कैसे काम करते हैं और हमने फिर खुद का सी एन एन आर्किटेक्चर बना करके इमेज क्लासीफिकेशन के ऊपर भी थोड़ा काम किया आज का वीडियो थोड़ा अलग है बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आप प्री ट्रेन मॉडल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो प्री ट्रेंड मॉडल्स क्या होते हैं प्री ट्रेंड मॉडल एक ऐसा सी एन एन आर्किटेक्चर है uh, और अदर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो किसी और ने बनाया है किसी और ने किसी दूसरे डेटा सेट के ऊपर ट्रेन किया है बट वो इतना अच्छा है कि आप उसको अपने प्रॉब्लम में भी यूज़ कर सकते हो ठीक है तो आज की वीडियो में मैं पहले आपको समझाऊंगा कि प्री मॉडल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और उसके बाद हम लोग प्री मॉडल कैसे यूज़ करना है केराज़ में वो इस वीडियो में सीखेंगे ट्रस्ट मी इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जब हम ट्रांसफर लर्निंग पढ़ेंगे विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे ठीक है तो आज का वीडियो ट्राई करना पूरा एंड टू एंड देखने के लिए और जो भी कोर्स मैं करवाऊँ ट्राई करना उसको आप साथ में करो ठीक है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे कि हमें प्री ट्रेंड मॉडल क्यों यूज़ करना चाहिए प्री ट्रेंड मतलब किसी और का बनाया हुआ मॉडल सी एन एन मॉडल क्यों यूज़ करना चाहिए रादर देन यूजिंग आवर ओन मॉडल ठीक है आई विल गिव यू टू रीजन्स रीज़न नंबर वन कि जब आप सी एन एन मॉडल्स यूज़ करते हो तो आप बेसिकली कुछ इमेज बेस्ड डेटा के ऊपर ही काम कर रहे होते हो तो आपने डीप लर्निंग के बारे में शायद ये बात अच्छे से सुनी होगी कि डीप लर्निंग इज़ डेटा हंगरी मतलब डीप लर्निंग मॉडल्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए खूब सारा डेटा चाहिए अब अगर आप सी एन एन की बात कर रहे हो इट मीन्स आपको खूब सारा इमेज डेटा चाहिए और इमेज डेटा में भी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम तो आपको खूब सारा लेबल्ड डेटा चाहिए लेट्स से यू आर बिल्डिंग अ कैट डॉग क्लासिफायर तो यू नीड अ लॉट ऑफ फोटोज ऑफ कैट्स एंड डॉग्स ठीक है चलो ये प्रॉब्लम तो आप सॉल्व कर सकते हो आप गूगल इमेजेस पे जाकर के डेटा को स्क्रेप कर सकते हो बट देर इज वन मोर प्रॉब्लम आपको साथ साथ लेबलिंग भी चाहिए मतलब जो भी फोटो आप डाउनलोड करोगे उसके बगल में आपको बताना भी पड़ेगा कि इस फोटो में डॉग है या कैट है अब इमेजिन आपको चाहिए टेन थाउजेंड फोटोज़ और आपने इसको डाउनलोड कर लिया गूगल से बट अब आपको क्या करना पड़ेगा मैन्युअली बैठ करके इन टेन थाउजेंड इमेजेस को लेबल करना पड़ेगा नाउ दैट इज़ अ टीडियस टास्क ठीक है इसमें टाइम जाएगा एंड एफर्ट जाएगा सो so, अगर किसी कंपनी में ये काम करवाना होगा तो यू नीड टू हायर पीपल एंड यू हैव टू गिव दम सैलरी सो बेसिकली फिनेशियल लॉस है अब फ्यूचर में मे बी शायद ये काम थोड़ा ईजी हो जाएगा अगर पेंटरेस्ट जैसी कंपनीज आगे आकर के अपना डेटा ओपन सोर्स करती हैं बट इस पॉइंट पे इट इज़ अ टीडियस टास्क टू हैव योर ओन डेटा फॉर योर डीप लर्निंग मॉडल दिस इज़ रीज़न नंबर वन रीज़न नंबर टू इज टाइम सो मान लो अगर आपके पास खूब सारा डेटा है भी तो भी एक प्रॉब्लम है कि खूब सारे डेटा के ऊपर जब आप अपने मॉडल को ट्रेन करोगे तो वो ट्रेनिंग प्रोसेस टेक्स टाइम का कभी कभी घंटे लगते हैं दिन लगते हैं वीक्स भी लग जाते हैं बड़े डेटा सेट के ऊपर तो इट बेसिकली मीन्स आपका पूरा मॉडल बिल्डिंग का प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्लो तो सॉल्यूशन ये है कि रादर देन हम अपना खुद का मॉडल यूज़ uh, करने के व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम किसी और का बना बनाया मॉडल यूज़ कर सकते हैं जिसको हम प्री ट्रेन्ड मॉडल बोलते हैं अब आज के वीडियो में मेरा गोल यही है कि मैं आपको एकदम शुरू से प्री ट्रेन मॉडल का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया वो समझाने की कोशिश करूँगा और फिर उसको यूज़ कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊँगा अब प्रीटेंड मॉडल का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको इमेजनेट डेटा सेट के बारे में पता होना चाहिए ठीक है तो एकदम सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं तो इमेजनेट इज बेसिकली अ विजुअल डेटा बेस ऑफ इमेजेस ठीक है अब थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं लेट्स टॉक अबाउट द वाई वॉट एंड हाउ सो so दैट आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल्ड आइडिया हो लेट्स टॉक अबाउट द वाई क्यों बनाया गया इस इमेजनेट डेटा बेस को सो अराउंड टू थाउजेंड सिक्स देर वॉज अ कंप्यूटर रिसर्चर कॉल्ड फाई फाई ली और फी फी ली सो इस पॉइंट पे टू थाउजेंड सिक्स के अराउंड डीप लर्निंग वापस थोड़ा सा काइंड ऑफ सरफेस पे आ रहा था फेमस हो रहा था uh, तो इस टाइम पे जो मोस्टली जो रिसर्चर्स थे वो लोग फोकस कर रहे थे मॉडल्स के ऊपर एंड एल्गोरिदम्स के ऊपर ज़्यादातर जो डीप लर्निंग रिसर्चर्स थे उनका फोकस था मॉडल बिल्डिंग एंड एल्गोरिदम बिल्डिंग उस टाइम पे फीफी ली थॉट कि अगर डीप लर्निंग इज़ ऑल अबाउट डेटा तो फ्यूचर में इट्स एब्सल्यूटली नेसेसरी कि हमारे पास कुछ बहुत बड़े और अच्छे डेटा सेट्स हों जिनके ऊपर ये मॉडल्स और एल्गोरिदम्स काम करेंगे सो व्हाट ही डिड 2006 से ही स्टार्टेड बिल्डिंग दिस डेटाबेस इमेज नेट डेटाबेस ठीक है सो ही मेट विथ अ प्रोफेसर जिन्होंने वर्ड नेट बनाया था और उनके साथ मिलकर के ही बिल्ट दिस डेटाबेस ऑफ 1.4 मिलियन इमेजेस इंडियन टर्म्स में अगर बोला जाए तो 1.4 करोड़ इमेजेस का इन्होंने एक डेटाबेस बनाया ठीक है और इन 1.4 करोड़ इमेजेस में देर वर 20,000 कैटेगरीज मतलब बीस हजार चीजों का डेटा था यहाँ पे कैट डॉग मैन वुमेन व्हीकल, टेबल चेयर बहुत सारी कैटेगरीज जो डेली हाउस होल्ड आइटम्स होते हैं प्लस जो भी आपको आसपास में ऑन अ डेली बेसिस दिखाई देता है उस तरह की बीस हजार चीजों का वन पॉइंट फोर मिलियन इमेजेस इन्होंने बनाया ठीक है अब इसमें से जो सारे के सारे इमेजेस थे देवर लेबल्ड लेबल्ड भी कैसा कि अगर मान लो एक डॉग का इमेज है तो हर तरीके से बहुत वेल ऑर्गेनाइज लेबलिंग थी कि वहाँ पे लिखा रहेगा डॉग है डॉग में भी कौन सा ब्रीड ऑफ़ डॉग है उसका विजुअल डिस्क्रिप्शन कैसा है वाइट डॉग है इस तरीके से बहुत अच्छे से हायरार्कली उन्होंने सारी चीज़ को लेबल किया और तो और अराउंड वन मिलियन इमेजस जो थे मतलब रफली दस लाख इमेजस इसको उन्होंने बाउंडिंग बॉक्स लेबलिंग भी दिया बाउंडिंग बॉक्स लेबलिंग क्या होता है कि मान लो आपके पास ये एक फोटो है और इसमें देर इज कैट। तो बाउंडिंग बॉक्स में आप एक बॉक्स बना देते हो टू शो कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इमेज में तो ये ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन टास्क में बहुत हेल्प करता है तो इसमें हमारा जो डेटा बेस है इसमें देर वर वन पॉइंट फोर करोड़ इमेजेस जो वेल well लेबल्ड थे इस तरीके से और एटलीस्ट टेन लाख इमेजेस ऐसे थे जो ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन के लिए थे देर वर बाउंडिंग बॉक्सेस ठीक है अब ये पूरी चीज़ के बारे में आपको सोच के लग रहा होगा कि ये बना कैसे होगा हाउ कैसे उन्होंने ये पूरी चीज़ बनाई सो दे यूज क्राउड सोर्सिंग बेसिकली उन्होंने क्राउड का हेल्प लिया उन्होंने लोगों से पूछा कि ये एक फोटो है बताओ इसमें क्या चीज़ है या फिर ये एक फोटो है बताओ वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है उन्होंने लोगों से हेल्प लिया ठीक है कैप्चा टाइप का जो प्रोग्राम होता है ना उस तरह का उन्होंने कुछ यूज़ किया था यूजिंग अ सर्विस बाय एमेजॉन कॉल्ड मैकेनिकल टर्क ये सर्विस उन्होंने यूज किया था टू बिल्ड दिस एंटायर डेटा बेस ऑफ इमेज एंड यही वो डेटा है यही वो डेटा सेट है जिसने डीप लर्निंग का फ्यूचर बदल दिया कैसे उसके लिए हम नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इमेज नेट चैलेंज सो एक बार जब वो इमेज नेट डेटा बन गया तो इन रिसर्चर्स ने डिसाइड किया कि इस बड़े डेटा सेट को हम लोग यूज करते हैं लेट्स बिल्ड अ कंपटीशन ठीक है जिसको आई एल बोला जाता है इमेजनेट लार्ज स्केल विजुअल रिकॉग्निशन चैलेंज ठीक है या फिर सिंपली पुट इसको इमेजनेट चैलेंज भी बोला जाता है सो so, ये चैलेंज स्टार्ट हुआ 2010 में और इस चैलेंज का गोल था कि बेस्ट जो इमेज क्लासिफिकेशन मॉडल्स हैं Uh, वो सरफेस पे आने चाहिए वो लोगों के सामने आने चाहिए ठीक है तो अलॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दिस कंपटीशन, इस कंपटीशन में जो डेटा सेट यूज़ हुआ था वो एक्चुअली सबसेट था ओरिजिनल इमेजनेट डेटा सेट का सो so, ओरिजिनल वाले में फोर्टीन करोड़ इमेजेस थे हमारे इस कंपटीशन में जो डेटा सेट यूज़ हुआ उसमें सिर्फ वन मिलियन या फिर आप बोल सकते हो अराउंड टेन लाख इमेजेस यूज़ हुए जहाँ पे शुरू के डेटा सेट में ट्वेंटी थाउजेंड क्लासेस थी इमेजनेट चैलेंज में देर वर ओनली थाउजेंड क्लासेस सो उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया ठीक है तो अ लॉट ऑफ टीम्स अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स पार्टिसिपेटेड इट इन दिस चैलेंज इन ट्वेंटी टेन और शुरू में जो पहले एक दो साल में जो कॉम्पिटिशन हुआ वहाँ पर जो मॉडल्स आए वो मोस्टली मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स थे वहाँ पर डीप लर्निंग यूज़ नहीं हो रहा था तो ये वो मॉडल्स थे जहाँ पे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम काम कर रहा था आ, लोग यहाँ पे मैनुअली फ़ीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे थे अगर आपने कभी किया होगा तो शायद आपको आइडिया होगा आप सिफ्ट एंड हॉक फीचर्स एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर किसी तरीके से ऑन लर्निंग वगैरह लगा करके प्रिडिक्शन करते हो ठीक है तो जब 2010 में जो टीम जीती थी उनके मॉडल का जो एरर रेट था वो था अराउंड 28 परसेंट 28% एरर रेट का मतलब है कि इस मॉडल को अगर आप 100 इमेजेस दिखाओगे उसमें से वो 28 इमेजेस पे गलती करेगा ठीक है 2011 में भी मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल्स ही आए और एरर रेट थोड़ा सा इम्प्रूव किया 25% चला गया मतलब ये जो मॉडल जीता इसको अगर आप 100 इमेजेस दिखाओगे तो ये उसमें 25 में गलती करेगा ठीक है असली जो चेंज हुआ वो 2012 में हुआ ट्वेंटी ट्वेल्व जो कि एक लैंडमार्क ईयर है डीप लर्निंग के लिए ट्वेंटी ट्वेल्व में क्या हुआ कि जॉफ्री हिल्टन पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉम्पिटिशन विथ हिज सी एन एन मॉडल कॉल्ड एलेक्स नेट इसका आर्किटेक्चर मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा बट एलेक्स नेट वॉज अ सी एन एन मॉडल बेसिकली डीप लर्निंग बेस्ड मॉडल और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक डीप लर्निंग मॉडल ने पार्टिसिपेट किया और सेकेंड इन्होंने फर्स्ट टाइम सी पी यू का यूज किया सॉरी इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ सी पी यू इन्होंने जी का यूज़ किया जिससे ट्रेनिंग फास्ट हुआ एंड दिस वॉज ऑल्सो द फर्स्ट टाइम जब किसी सी एन एन मॉडल ने रेल्यू एज एन एक्टिवेशन लेयर यूज़ किया और जैसे ही इसने पार्टिसिपेट किया इस कॉम्पिटिशन में ये इसने रिवॉल्यूशन ले आया टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेल्व में जो एरर रेट था बिकॉज ऑफ एलेक्स नेट वो सीधे सिक्सटीन परसेंट पर आ गया जो अपने सेकेंड पोजिशन वाले से टेन परसेंट से ज़्यादा का इम्प्रूवमेंट था और जैसे ही ये एलेक्स ने कॉम्पिटिशन जीता पूरा का पूरा टेक वर्ल्ड का नज़र इस सी मॉडल पर आ गया और पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग कि ऐसा कौन सा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसने मशीन लर्निंग को इतना पीछे छोड़ दिया ठीक है एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब सच में डीप लर्निंग के ऊपर सबकी नज़र पड़ी और इसके बाद लगातार ट्वेंटी थर्टीन जब तक ये कंपटीशन हुआ कॉन्स्टेंटली डीप लर्निंग मॉडल्स सी आते गए और उन्होंने कॉम्पिटिशन जीता ठीक है वो मैं आपको आगे बताता हूँ सो गईज दिस इज़ द आर्किटेक्चर ऑफ एलेक्स नेट ये मुझे एंड्रोइंग के लेक्चर uh, से मिला सो यू कैन सी इमेज नेट में आपके पास जो इमेजेस होते हैं वो टू ट्वेंटी सेवन बाई टू ट्वेंटी सेवन का कलर्ड इमेजेस होते हैं एलेक्स uh, नेट ने क्या किया था कि एलेवन क्रॉस इलेवन के नाइनटी सिक्स फिल्टर्स लगाए थे पहले लेयर में फिर स्ट्राइड uh, फोर रखा था इन्होंने और मैक्स पुलिंग सॉरी पैडिंग सेम रखा था मैक्स uh, पुलिंग में इन्होंने थ्री क्रॉस थ्री लगाया था साइज स्ट्राइड टू रखा था यू कैन डू दू कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस मतलब ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है जब हमने अपने खुद के सी uh, एन बनाए हैं uh, उसके बाद फिर से फाइव क्रॉस फाइव के इन्होंने टू फिफ्टी सिक्स फिल्टर्स रखे देन अगेन मैक्स पुलिंग उसके बाद फिर 384 एटी फोर फिल्टर्स एंड इवेंचुअली लास्ट में जाकर के यू कैन सी इन्होंने तीन फुली कनेक्टेड लेयर्स लगाए विथ नाइन टू वन सिक्स फोर जीरो नाइन सिक्स एक्चुअली दो फुली कनेक्टेड लेयर लगाए दिस इज़ फ्लैटन फ्लैटन करने से नाइन टू वन सिक्स हुआ एंड लास्ट में यू कैन सी इन्होंने एक सॉफ्ट मैक्स लेयर लगाया विथ थाउजेंड यूनिट्स बिकॉज हमारे पास जो प्रॉब्लम uh, है वो एक मल्टी क्लास क्लासीफिकेशन प्रॉब्लम है वेथ देर आर थर्ट थाउजेंड क्लासेस ठीक है तो आई वुड रिकमेंड एक बार आप वीडियो पॉज करो या फिर इंटरनेट पे जाओ और एलेक्स नेट का आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करो इफ़ पॉसिबल अगर आपके पास टाइम है तो केरास में इसको बनाने की कोशिश करो इट वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज ठीक है तो दिस वाज द 2012 का विनिंग मॉडल जिसने स्टार्ट किया डीप लर्निंग रेवोल्यूशन को ठीक है तो दैट इज़ वाई मुझे लगा एक बार इसको दिखाना ज़रूरी है अब मैं आपको बताता हूँ कि गोइंग फॉरवर्ड ट्वेंटी थर्टीन में क्या हुआ आगे के सालों में भी कॉन्स्टेंटली डीप लर्निंग मॉडल्स इम्प्रूव करते गए और वही सारे के सारे कॉन्टेस्ट जीतते गए दिस इज़ अ चार्ट जो आपको थोड़ा आइडिया देगा सो ट्वेंटी टेन और 2011 में मशीन लर्निंग मॉडल्स ने कंपटीशन जीता था विथ 28 परसेंट एंड 25 परसेंट एरर रेट एंड 2012 में एलेक्सनेट आया जिसने कंपटीशन जीता और 16.4 का एरर रेट दिखाया जो कि काइंड ऑफ रिवॉल्यूशनरी था उस टाइम पे उसके बाद फिर 2013 में देर वॉज दिस सी एन एन आर्किटेक्चर कॉल्ड जेड एफ नेट जिसने और ज़्यादा इम्प्रूव किया और एरर रेट को 11.7 परसेंट तक ले आए ठीक है उसके बाद एक और बहुत फेमस सी एन एन आर्किटेक्चर आया जिसको वी जी जी बोलते हैं विजुअल जोमेट्री ग्रुप आई गेस इसका फुल फॉर्म है इन्होंने इसको 7.3 पे ले आए वी जी जी नेट इनफैक्ट गॉट वेरी फेमस ये एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो बहुत फेमस हुआ और अभी आप गोइंग फॉरवर्ड बहुत जगहों पे देखोगे कि हम वी जी जी नेट को यूज़ करेंगे ठीक है 2015 में गूगल ऑल्सो ज्वाइंट और उनका सी एन एन आर्किटेक्चर जीता विथ 6.7 पॉइंट सेवन एरर रेट एंड ट्वेंटी सिक्सटीन में देर वॉज दिस अगेन फेमस आर्किटेक्चर कॉल्ड रेजनेट जिसने अनबिलीवेबल थ्री पॉइंट फाइव परसेंट के एरर रेट पर पूरी चीज़ को ले आए सो so, ये स्टेज अब ह्यूमस को क्रॉस कर चुका है मतलब उस डेटा सेट के ऊपर ह्यूमंस का एरर रेट इज़ फाइव परसेंट मतलब अगर आप ह्यूमंस को भी सौ फोटोज़ दिखाओगे तो ह्यूमंस भी पाँच में गलती कर जाते हैं बट नॉट दिस मॉडल इसका एरर रेट इज़ लेस देन ह्यूमंस सोचो कितना हमने प्रोग्रेस कर लिया डीप लर्निंग में कि हमारे जो कंप्यूटर विजन सिस्टम्स हैं वो एक्चुअल ह्यूमन विजन सिस्टम्स को सरपास कर जा रहे हैं ठीक है तो आपका काम इस पॉइंट पे ये होना चाहिए कि ये जो आर्किटेक्चर्स है इनको जा के आप स्टडी करो इंटरनेट पे यू वुड गेट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज जहाँ पर इनका आर्किटेक्चर समझाया गया है एक कॉमन पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे साल बढ़ रहा है मोर एंड मोर लेयर्स वर एडेड मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गया है सी मॉडल का और उस कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ने की वजह से एरर रेट रिड्यूस हुआ है ठीक है तो आपका टास्क होना चाहिए जाकर के इन मॉडल्स को एक बार सर्च करो इनका आर्किटेक्चर देखो अगर आपके पास टाइम है और आप इंटरेस्टेड हो तो आप केराज में उसको दोबारा बनाने की कोशिश करो इट वुड बी अ ग्रेट एक्सरसाइज मीन हमें जो आइडिया लेना था इमेजनेट और इमेजनेट चैलेंज से वो हमें मिल गया है अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्री ट्रेनड uh, जो मॉडल्स होते हैं उनको यूज़ करने का लॉजिक क्या है क्यों यूज़ करना चाहिए सो आई गेस आपको प्री ट्रेन मॉडल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा मैं एक बार एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर देता हूँ सो आइडिया बहुत सिंपल है मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि एक डीप लर्निंग सॉरी एक डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करने के लिए uh, आपको बहुत सारा डेटा चाहिए विच इज़ कॉस्टली और अगर डेटा है भी तो ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है तो सिंपली रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि अगर हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं लाइक वी जी जी नेट रेजनेट जो कि इमेज नेट जैसे डेटा के ऊपर ऑलरेडी ट्रेंड है जहाँ पे आपके पास थाउजेंड सबसे कॉमन क्लासेस जो एग्जिस्ट करती हैं वो हैं तो अगर हमारे पास ऐसा मॉडल है तो हम अपना खुद का मॉडल क्यों ट्रेन करें वाई नॉट डायरेक्टली यूज दें दो फायदे होंगे पहला आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है तो आपको डेटा लाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ज़ीरो डेटा है तो भी काम चल जाएगा बहुत कम डेटा है तो भी काम चल जाएगा और सेकेंड फायदा ये है कि सिंस आपको ट्रेनिंग नहीं करना तो फिर आपको टाइम नहीं लगेगा आप डायरेक्टली इन मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो द गुड पार्ट इज़ कि केराज़ जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारे प्री ट्रेन मॉडल्स आपको मिल जाते हैं सो so, अब मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको केराज दिखा के केरास लाइब्रेरी में जो कुछ अच्छे मॉडल्स हैं मैं उनको यूज़ करना आपको दिखाता हूँ ठीक है ऑन अ प्रॉब्लम तो so, अगर आप गूगल करोगे केराज़ प्री ट्रेन मॉडल्स आपको पहले रिजल्ट में दिखाई देगा केराज एप्लीकेशन अगर आप इस पेज पे जाते हो तो आपको उन सारे प्री ट्रेन मॉडल्स का लिस्ट दिखाया जाएगा जो केराज़ में अवेलेबल है ठीक है तो यू कैन सी दीज आर द मॉडल्स एक्सेप्शन वी जी जी नाइनटीन वी जी जी सिक्सटीन विथ सिक्सटीन लेयर्स वी जी जी नाइनटीन विथ नाइनटीन लेयर्स रेजनेट फिफ्टी रेजनेट फिफ्टी वी टू ये सारे फेमस मॉडल्स हैं इंसेप्शन वी थ्री मोबाइल नेट बहुत ही लाइट वेट होता है uh, उसके बाद यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल द लिस्ट यहाँ पर आपको साइज भी बता रखा है कि उन मॉडल्स का साइज़ कितना है सो यू कैन सी वी जी जी सिक्सटीन जो हम uh, काफ़ी यूज़ करेंगे फ्यूचर में ये अराउंड फाइव ट्वेंटी एट एम बीज का है इतना बड़ा क्यों है बिकॉज ये प्री ट्रेनड है प्री ट्रेंड है मतलब इसमें जितने भी पैरामीटर्स हैं ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं विच इज़ रफली अराउंड वन थर्टी एट पॉइंट फोर मिलियन इन सब का वेट्स बेसिकली नंबर स्टोर्ड है दैट इज़ वाई ये इतना बड़ा है रेजनेट फिफ्टी थोड़ा लाइट वेट है नाइन्टी एट बिकॉज उसमें पैरामीटर्स भी कम है ठीक है ये यहाँ पर टॉप वन परसेंट एक टॉप फाइव एक्यूरेसी लिखा हुआ है टॉप वन एक्यूरेसी मतलब एकदम एक्यूरेटली बता पाना कि इमेज में कौन सी चीज है टॉप फाइव एक्यूरेसी मतलब टॉप जो पांच आउटपुट दे रहा है उसमें से कोई एक एटलीस्ट करेक्ट है दैट इज टॉप फाइव एक्यूरेसी ठीक है तो यू कैन सी साथ में एक्यूरेसी भी लिखा हुआ है पैरामीटर लिखा हुआ है कितने लेयर्स हैं ये लिखा हुआ है और उसके बाद इन्फ्रेंस में टाइम कितना लगता है सी में और जी में ये पूरा लिस्टिंग एक यहाँ पे दे रखा है तो आई वुड रिकमेंड एक बार आप थोड़ा देख लो इनमें जो फेमस मॉड्यूल्स हैं वो है एक्सेप्शन वी जी जी रेजनेट इंसेप्शन मोबाइल नेट भी बहुत यूज होता है तो ये कुछ फेमस मॉड्यूल्स हैं आर्किटेक्चर्स uh, हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे ठीक है तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं रेजनेट 50 का आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा और हम एक यूनिवर्सल क्लासीफायर सॉर्ट ऑफ बनाएंगे जहाँ पे आप कुछ भी इमेज डालोगे वो प्रेडिकट करने की कोशिश करेगा कि उस इमेज के अंदर क्या है ठीक है तो कोड पहले से लिखा हुआ है इनफैक्ट कोड मैंने इन लोगों का ही उठा लिया यहाँ पे कोड दिया हुआ था एग्जाम्पल कोड वही मैंने यहाँ पे रखा है यहाँ पे मैंने चार इमेजेस अपलोड कर रखे हैं चारों एकदम अलग अलग चीजें हैं ब्रेड चेयर डॉग एंड टोमेटो मी शो यू You can see, ये का इमेज है ये ब्रेड है ये टोमेटो है और ये चेयर है ये चार चीजें कोड यहाँ पे हमने सब कुछ इम्पोर्ट किया है यू है इम्पोर्ट किया है ठीक है uh, 50 के अंदर से हमने प्री प्रोसेस इनपुट और डी कोड प्रोडिक्शन को इम्पोर्ट किया है उसके बाद हमने यहाँ पे मॉडल बनाया रेजनेट फिफ्टी क्लास का यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया कि हमें वेट्स जो चाहिए वो हमें वही वेट्स चाहिए हैं जो इमेज नेट डेटाबेस के ऊपर ट्रेन करने के बाद हमें मिले थे ठीक है उसके बाद यहाँ पे हमने इमेज को इमेज का पाथ बताया इमेज को लोड किया उसको एरे में कन्वर्ट किया एक्सपैंड डिम्स का मतलब है उसको बैच में कन्वर्ट किया और उसको प्री प्रोसेस करके हमने एक्स में डाल दिया ठीक है अब एक्स में हमारे पास वो इमेज है मॉडल के अंदर प्रिडिक्ड फंक्शन है उसमें हमने एक्स को भेजा और जो भी प्रोडिक्शन आया उसको हमने डी किया यूजिंग डी कोड और जो टॉप थ्री प्रोडिक्शन है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो सबसे पहले टोमेटो मैंने चलाया तो रिजल्ट uh, में एक्चुअली स्ट्रॉबेरी आ रहा है इज नॉट द करेक्ट आंसर बट हिप हिप भी आ रहा है hip मैंने सर्च किया वेजिटेबल में तो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था तो आई गेस थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है टोमेटो से बट uh, अगर आप बाकी चीजें ट्राई करो तो सही से आ रहा है रिजल्ट लेट मी शो यू अगर आप ट्राई कर रहे हो डॉग तो यू विल गेट नॉट ओनली डॉग आएगा बट ऑल्सो ग्रीड भी दिखा रहा है लेबोरेटोर रिसीवर रिट्रीवर बोल रहा है और गोल्डन रिट्रीवर बोल रहा है डॉग जो मेरे पास है मुझे लगता है वो गोल्डन रिट्रीवर है है uh, अगर हम ब्रेड के ऊपर चला रहे हैं ब्रेड वाले इमेज के ऊपर तो दिस इज द रिजल्ट फ्रेंच लो रहा है ठीक है विच इज करेक्ट और अगर हम चेयर के ऊपर चला रहे हैं जी एफ आई एफ जी एफ आई एफ और अगर हम रिजल्ट निकालें प्रीकेंसी फोल्डिंग चेयर आ रहा है ठीक है तो यू कैन सी कितना ईजिली मुझे कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे अपना खुद का आर्किटेक्चर भी नहीं बनाना पड़ा सिंपली मैंने किसी दूसरे का मॉडल को लिया और मैंने सॉर्ट ऑफ एक यूनिवर्सल क्लासिफायर बना लिया जिसमें मैं कुछ भी चीज़ें भेज रहा हूँ वो मुझे बता रहा है कि उस इमेज के अंदर क्या है ठीक है तो यही गोल था इस पूरे वीडियो का कि मुझे आपको समझाना था कि प्री मॉडल्स क्या होते हैं क्यों एग्जिस्ट करते हैं और उनको यूज कैसे करना है यूजिंग केरास आई होप मैं आपको समझा पाया सो दैट वॉज द वीडियो गाइज आई होप आपको प्री टेड मॉडल्स को कैसे यूज करना है वो समझ में आ गया नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन ट्रांसफर लर्निंग वहां पर ये सारे कॉन्सेप्ट काइंड ऑफ रूज होंगे तो जो भी आपने पढ़ा है वो आपको हेल्प करेगा ठीक है सो so अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक like कर देना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दैट्स इट फ्रॉम माई साइड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय